हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। तो ये देख सकते हैं निमाटाणा, ठीक है। और ये हमारा जो है ना झरना पहाड़ या जिलेबिया पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और ये देख सकते हैं, इस पर हम लोग चढ़ेंगे। इसको बोलते हैं जिलेबिया पहाड़ या तो झरना पहाड़, ठीक है। आगे हम लोग को जिलेबिया मोड़ मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग को दिखाना है क्या है, जिलेबिया, जो कि इसमें आपको उतरने में भी दिक्कत होगा क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पर थके हुए रहेंगे और आपको चढ़ने में भी दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको इस पर चढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको पूरा ये दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का अभी व्यू है और कैसा है। तो बहुत ही अच्छा ये इनको बना दिया गया है, तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब गर्मी रहेगा, काफ़ी धूप रहता है, तो ये काफ़ी, ये जो सड़क है, ये तब जाते होंगे तो उसमें दिक्कत होता होगा। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये जो है ना पूरा मस्त एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मैं यहाँ से सीधा मेन रोड पकड़ूँगा और हमको जाना है सुल्तानगंज। उसके बाद क्योंकि हमको वापस आना होगा, क्योंकि अगर इस पथ पे जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, वापस आते समय काफ़ी ठंड होगा। तो प्लीज़ अगर जान रहेगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैंने सुल्तानगंज का वीडियो ज़रूर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि सुल्तानगंज तक तो हमको जाना ही है, तो सुल्तानगंज का मैं आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए आगे, ये देख सकते हैं पूरा जिलेबिया पहाड़। इधर भी पूरा काफ़ी दुकान रहता है और ये देख सकते हैं बरगद पेड़ के पास बैठ के आराम कर सकते हैं। और आगे एक झरना भी है, इसलिए इसका नाम झरना पहाड़ भी है। तो जो कि मैं आपको चलिए दिखाऊंगा कहाँ पे है झरना पहाड़। और ये सब दुकान भी तो काफ़ी लगा हुआ रहता है सावन में। और ये जगह जब सावन में आएंगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे बेहतर देखने को मिलेगा। और चढ़ते चढ़ते वहाँ पे काफ़ी एक स्लोप बना हुआ है, आप जैसे चढ़ेंगे तो आपका जो जो दम है, जो हार्ट, वो क्या होगा, पूरा आपको फूलने लगेगा। हाँ, बहुत दिन के बाद इधर आए हैं, देख सकते हैं पूरा सुनसान सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नहीं है और अकेले। और सोच सकते हैं कि कोई कंवरिया भाई अकेले ऊपर चल रहा है, तो सोच सकते हैं कैसा वो महसूस करते होंगे, मुझे पता नहीं। क्योंकि अगर मैं, मेरे साथ तो कोई है, लेकिन फिर भी मैं क्या अजीब महसूस कर रहा हूँ कि अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे एक झरना है, ठीक है। वो झरना अपने से पानी बहता है और बेसिकली बगल में हमारा जो है, क्या कहते हैं, डैम है, तो उससे जो है पत्थर से होते होते हुए आता है, उसका पानी से काफ़ी लाभदायक होता है। और भी पेड़ वगैरह नीचे बहुत है, उससे जड़ी बूटियों से होते हुए आता होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से स्लोप है। हाँ, पता है ये वाला जो है यहाँ से कितना नीचे दिख रहा है, इसको चढ़ना है। तो सोच सकते हैं अगर इसको आपको चढ़ने में क्या हालत होता होगा, कोई भी कवरिया एकदम आराम से कि वो थक जाएंगे, पूरा एकदम चढ़ चढ़ाव है। देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इधर, ये देख सकते हैं शायद कैसे आग लग गया जंगल में, ऐसे धूप के वजह से काफ़ी काफ़ी आग भी लग जाता है और कोई ऐसे लगा भी देते हैं, ठीक है। आगे अंदर जो है ना वो साइड झरना है, ठीक है। और ये पूरा अब देख सकते हैं पूरा ढलान इस तरह का है। अगर कभी आप आए होंगे तो उधर जाइएगा, तो एक झरना है, मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, वहाँ पे आपको झरना मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप पानी वगैरह पी सकते हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह है, ये हमेशा बहता ही रहता है हमेशा। ये देख सकते हैं इस झरना में यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, देख सकते हैं बहुत अच्छा। चलिए मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, उसके बाद ये देख सकते हैं ये पानी बह रहा है, इसमें हमको पानी पीना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमको
पानी पीना है। आराम से यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं। इसका पानी जो है ना बहुत बहुत ही मीठा पानी है और बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो आज का वीडियो भी मैं यहीं पे। तो दोस्तों वहाँ पे मेरा फ़ोन स्पेस पूरा भर गया था, कुछ खाली किए हैं, उसके बाद आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जलेबियाँ ही है, मुझे ये वाला पूरा कवर करना था, क्यों इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेस कुछ खाली करना पड़ा। तो क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी भी यहाँ पे रोड है, इसलिए हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो चलिए कवरिया पर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बना हुआ था बिल्डिंग, और कुछ दिन के बाद यहाँ पे पूरा आपको दिखने वाला है। बेसिकली ये जगह में कभी भी घर वगैरह नहीं बनने वाला, क्योंकि ये जो है एरिया है हमारा वन विभाग का है। तो इसके बाहर बन सकता अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनने वाला मेरे ख्याल से। ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ी एरिया है, ये पूरा जलेबिया पहाड़ कहलाता है। और आगे जो हमारा मिलेगा जलेबिया मोड़ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये देख सकते पूरा एकदम, यही दो जगह है जो सभी श्रद्धालु जितने भी बम भाई है उनका परीक्षा लिया जाता है, अदरवाइज हर जगह आराम से आप पार हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा ये पूरा पहाड़ी एरिया है, देख सकते हैं पूरा पहाड़ी एरिया है, जिसकी वजह से कहीं चढ़ाव उतार ये सब पूरा देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये चलिए आगे मैं आपको चल के दिखाते जाता हूँ। बहुत ही हो सकते हैं रोड इधर जो है बहुत अच्छा है, जिस प्रकार से मैं पहले देखता था उस प्रकार से नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। और अगर आप मेन रोड से आएंगे तो काफ़ी आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो जलेबिया पहाड़, तो मैंने आपको जलेबिया पहाड़ दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आप देख लीजिए आगे भी थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ये पूरा थोड़ा सा ये रोड है, यहाँ पे पक्की कर दिया गया है, ये देख सकते हैं। और इस तरह का टर्निंग पॉइंट है, देख सकते हैं नीचे अगर सीधा अगर करते तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव बनता, इसलिए इसको थोड़ा सा घुमावदार बनाया गया था कि थोड़ा सा कम चढ़ाव पड़े, इससे घूम के से जाना पड़ा, पूरा ऐसे चढ़ना है, देख सकते हैं कभी चढ़ाव कभी उतार, इस तरह करके आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं मेन रोड हो गया, अब हम लोग मेन रोड से सीधे निकलेंगे सुल्तानगंज। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे है, मैं आगे आपको बाद में दिखाऊंगा, और सीधे आपको सुल्तानगंज का फिर वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और दबा के शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री।